हेलो एवरीवन, मेरा नाम फैसल उमर है और आज हम थप्पड़ मूवी ट्रेलर का रिएक्शन करने जा रहे हैं। काफ़ी इस पे सोशल इश्यूज जो हैं वो उठाए गए हैं जो कि एक मियां बीवी के दरमियान होते हैं, तो बाकी जो बातें हैं सारी वो ट्रेलर देखने के बाद होंगी और काफ़ी लंबी डिस्कशन आज मैं इस ट्रेलर पे करने लगा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये लीगल नोटिस है आपको घर वापस ले जाने के लिए। मुझे नहीं जाना। व्हाट्स द रियल स्टोरी, हिज फैमिली? नो। He's having an affair? No. You're having an affair? No. So just one slap then? Just a slap? But nahi maar sakta. Nahi maar sakta. Koi raha hai? Late, my Amu, please, late ho raha hai yaar. Doot ke hum dono mein jo अरे अमू, फोड़ दिया मैंने आज। You should have been there. घर तक के लिए वेट तो कर लो। मैं स्लीपी हूँ। मैं तो बिल्कुल स्लीपी नहीं हूँ। उसको विश्वास नहीं था कि कंपनी चला सकता है, समझा? कमान ले, खाने खाने चल। बहुत सारी थप्पड़ की है। Oh yeah, shit happens. होता है। Move people, move on. तुम्हें कंपनी में इतने इमोशनली इन्वेस्टेड थे, यू कुड नॉट मूव ऑन। मैंने तो अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट करी है तुम्हारे साथ। सही बात। कैसे मूव ऑन करूं? आई डोंट लव यू। बस यही सुनना रह गया था, बेटी डाइवोर्स करेगी। जाने दे बेटा, थोड़ा बर्दाश्त करना सीखना चाहिए औरतों को। अच्छा, हर रिश्ता फ्लॉड होता है, उसे जोड़ के रखना पड़ता है। जोड़ के रखनी पड़े कोई चीज तो मतलब टूटी हुई है ना। दीदी, कल उसने फेर मारी, पर कल है ना, मैंने सोची किसी दिन इसने अंदर तक कुंडी लगा ली तो तू कहाँ जाएगी। रिश्ते बनाने में उतनी एफर्ट नहीं लगती जितना निभाने में लगती है। क्या करूँ, हो गया ना। ज्यादा जरूरी सवाल ये है, ऐसा हुआ क्यों? You should give him a chance. Imagine how embarrassed he already is. सबसे ज्यादा नुकसान अमू का है, इसके ऊपर डिवोर्सी का टैग लगेगा। गलत तो नहीं कर रहे ना? हम तो हमेशा सही सोच के करते हैं बेटा, और कई बार सही करने का रिजल्ट हैप्पी नहीं होता। ये बात। When you're truly in love, थोड़ी बहुत मारपीट तो expression of love ही है ना सर। We have eyewitness testimony कि उस रात पार्टी में कोई violent act commit नहीं किया था। अगली petition में ये भी लिखवा देना कि मैं शराबी, पागल और manic depressive हूँ क्योंकि अभी incomplete लग रही है। You still want to play fair? उसने मुझे मारा, पहली बार, नहीं मार सकता, बस इतनी सी बात है, और मेरी petition भी इतनी सी है। पता उस थप्पड़ से क्या हुआ? उस एक थप्पड़ से ना मुझे वो सारी अनफेयर चीजें साफ साफ दिखने लग गई जिसको मैं अनदेखा करके मूव ऑन करती जा रही थी। जी, तो ट्रेलर तो जो था वो बहुत मजे का लगा मुझे। सबसे जो मुझे इसमें खास बात लगी है ना इस ट्रेलर में, वो ये है कि इन्होंने एक सोसाइटी का सोशल इशू उठाया है, थप्पड़, जो कि हर फैमिली में मियाँ बीवी, मियाँ जो है वो गुस्से में आके बीवी को थप्पड़ मार देता है। तो ये एक जो है ना, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक थप्पड़ जो है उस पर पूरी एक मूवी बन जाए। तो ये हमारी सोसाइटी का एक बेसिक इशू है जिसको इस ट्रेलर में उठाया गया है। और आज इस जो ट्रेलर मैंने देखा है, इसके रिएक्शन पे मैं काफ़ी थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा और मैं इस पर बात करूँगा कि ये जो चीज़ होती है सोसाइटी में ये बहुत आम है। मर्द जात जो हैं वो बहुत इसको इजी काम समझते हैं कि एक दो थप्पड़ लगा दिए तो बीवी के दिल पे कोई किसी किस्म का कोई एहसास नहीं गुजरेगा या कोई उसको तकलीफ नहीं होगी। तो इस एक टॉपिक पे जो इन्होंने मूवी बनाई है ना, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और इसमें लीडिंग रोल जो है वो कर रही है तापसी पन्नू, जो कि एक कंगना रनावत की तरह हर मूवी में एक न्यू कंसेप्ट होता है। जैसे पिंक मूवी थी, उसमें भी एक कंसेप्ट लिया गया था कि अगर कोई इस तरह की लड़की है तो फिर भी नो मीन नो। तो इसी तरह आप थप्पड़ को जो मतलब सोशल इश्यूज उठाते हैं जो कि हमारी सोसाइटी में है, ये इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन जो सोशल इश्यूज होते हैं उनको थ्रू मूवी उनको जागर करना और उन पर बात करना और उन पर एक मैसेज देना पॉजिटिव। इस ट्रेलर में मैंने दो चार चीज़ें नोट की हैं कि मियाँ बीवी होती है और उस पर वो थप्पड़ मारता है, उसके बाद वो डिवोर्स के लिए चली जाती है और डिवोर्स में उसकी फैमिली उसको समझा रही है। जैसे कि हमारी फैमिलीज नेचुरल चीज़ें दिखाई गई हैं कि हमारी जो फैमिली हैं, हम जो शहर से बिलोंग करते हैं, गांव से करते हैं, तो जो उनकी माँ और बाप होते हैं वो अपनी बेटी को समझा रहे होते हैं कि खैर है, तुम कंप्रोमाइजिंग हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ।
तो ये चीज़ें इसमें चल रही हैं। अब मूवी पूरी देखने के बाद पता चलेगा कि असल बात क्या है, कि सिर्फ एक मियाँ के थप्पड़ पे इतनी बात आगे चली गई या इसके बिहाइंड द सीन कुछ और भी एक्ट और इश्यूज हुए हैं, या मतलब कि जहाँ तक मुझे लगता है कि सिर्फ थप्पड़ की बात, सिर्फ थप्पड़ मारने पर ये पूरी मूवी नहीं होगी, इसके पीछे की जो इफ़ेक्ट्स हैं जो कि एक लड़की पर गुजरते हैं, वो क्या सोचती है, क्या एहसास होते हैं उसके, और उसके वो पूरा दिन एक थप्पड़ खाने के बाद उसका कैसा गुजरता है, ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। और ये जो हस्बैंड हजरात हैं उनके लिए इस मूवी में काफ़ी मैसेज होगा कि जब आप थप्पड़ मारते हैं तो उसके बाद के जो कुछ दिन या कुछ घंटे हैं वो एक उसकी बीवी कितना असर करते हैं, और वो इस हद तक असर करते हैं कि वो फिर डिवोर्स तक चली जाती है, कि डिवोर्स होती है कि नहीं होती, या जो भी मामलात होते हैं इस मूवी में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाया है, देखते हैं कि मूवी कैसी लगती है, कैसा लगा आज का रिएक्शन, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी प्रोवाइड किए गए लिंक पे या किसी वीडियो पे रिएक्शन दें तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट्स में भी हमें दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल होगा, ज़रूर कीजिएगा। और हमारे बाकी जितने भी चैनल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, सबको विजिट करें, सबकी अलग अलग कैटेगरीज पर हम वीडियोज़ बनाते हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।